सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अभिषेक है, टेक्नो रिव्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम करेंगे स्पीड टेस्ट Xiaomi Mi A2 के साथ Xiaomi का Redmi Note 5 Pro। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको Mi A2 लेना चाहिए या फिर Redmi Note 5 Pro लेना चाहिए, तो गाइस इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फोन फास्टर है और कौन सा फोन में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर आपको मिल जाता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहे, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। गाइस, ये है Mi A2 और ये है Redmi Note 5 Pro। और जो Mi A2 हमारे पास है वो है 4GB RAM वेरिएंट का और ये है 6GB RAM वेरिएंट का Redmi Note 5 Pro। हम जल्दी से सेटिंग्स में चले जाते हैं और दोनों ही फोन्स में Android 8.1 Oreo चल रहा है। तो गाइस हम पहले कर लेंगे इसका बूटिंग स्पीड टेस्ट और उसके बाद हम ये सारे एप्लीकेशंस को चला के स्पीड टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस बूटिंग टेस्ट के लिए पहले हम इन दोनों फोन्स को साइड में रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा Asus का Zenfone लेकर आते हैं और यहाँ पर हम क्लॉक एप्लीकेशन को चला के हम स्टॉपवॉच चला के देखेंगे कि कौन सा फोन जल्दी बूट हो जाता है। रिस्टार्ट स्क्रीन पर चले जाते हैं। 3, 2, 1 गो। जैसे कि मुझे लग रहा है कि Mi A2 काफ़ी फास्ट है बूटिंग स्पीड में अगर आप कंपेयर करते हैं Redmi Note 5 Pro से। तो गाइज आप देख सकते हैं Mi A2 ऑलरेडी बूट हो गया है और Redmi Note 5 Pro अभी बूट होकर होम स्क्रीन पर आया है। तो अभी इसको हटा लेते हैं यहाँ से और हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्पीड टेस्ट। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक भी फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन रनिंग नहीं है। तो हम अभी चला लेंगे हमारा एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ डेली एप्लीकेशंस है जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोन एप्लीकेशन, कैमरा एप्लीकेशन और कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ है। और जब हम ट्रैवल करते हैं हम मैप्स एप्लीकेशन को भी यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैप्स एप्लीकेशन भी है और उसके साथ एक वीडियो रेंडरिंग एप्लीकेशन Adobe Premiere Clip इंस्टॉल्ड है, जिसमें हम देख लेंगे कि GPU रेंडरिंग किस में फास्ट है। और एक है लाइटवेट गेम सबवे सर्फर। शॉपिंग एप्लीकेशंस जैसे कि Amazon और Flipkart दोनों ही फ़ोन्स में इंस्टॉल्ड है। और हमारे पास दो हैवी गेम्स है, एक है PUBG मोबाइल और है Asphalt 9। तो गाइज हम स्टार्ट कर लेंगे हमारा स्पीड टेस्ट फ़ोन एप्लीकेशन से और हम देखेंगे कि कौन सा पहले स्टार्ट होकर आता है। पर उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं गाइस के दोनों ही फ़ोन सेम ही वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्टेड है, OnePlus 5T। तो हम पहले चला लेंगे फ़ोन एप्लीकेशन। 3, 2, 1 ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया दोनों फ़ोन ने फ़ोन एप्लीकेशन को चलाने में। और नेक्स्ट चला लेते हैं कैमरा ऐप। तो गाइस कुछ मिली सेकेंड्स पहले आ गया है Mi A2 में, पर काफ़ी हद तक सेम है। तो नेक्स्ट चला लेंगे हम सेटिंग्स एप्लीकेशन को। और सेटिंग्स एप्लीकेशन Redmi Note 5 Pro में ज्यादा फास्ट ओपन हो गया है। तो नेक्स्ट है ट्विटर ऐप। 3, 2, 1 तो इस Mi A2 में ट्विटर ज्यादा फास्ट लोड हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम भी काफी फास्ट लोड हो गया है हमारे Mi A2 में। नेक्स्ट है फेसबुक। 3, 2, 1 तो फेसबुक काफी हद तक सेम टाइम लिया लोड होने में। नेक्स्ट है गूगल मैप्स। तो मैप्स के लिए हम पहले देख लेते लोकेशन ऑन है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं GPS ऑन है यहाँ पे और यहाँ पर लोकेशन ऑन है। हम जल्दी से सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी एंड लोकेशन में आप देख सकते हैं लोकेशन ऑन है हाई एक्यूरेसी में। तो गाइज 3, 2, 1 तो मैप्स कुछ हद तक सेम है, पर Mi A2 में एक दो सेकंड पहले लोड हुआ है मैप्स एप्लीकेशन। पर लोकेशन एक्यूरेसी है वो दोनों ही फोन्स ने सेम टाइम लिया लोकेशन को दिखाने में। तो नेक्स्ट है Adobe Premiere Clip जो रेंडरिंग एप्लीकेशन है, तो इसको हम चला लेंगे दोनों ही फोन्स में और उसके बाद हम सेम क्लिप को इम्पोर्ट कर लेंगे और देखेंगे कि कौन से फ़ोन में ज़्यादा फास्ट रेंडरिंग होता है। पर उससे पहले हम जल्दी से इम्पोर्ट कर लेते हैं हमारे क्लिप को। तो ये दोनों ही फ़ोन में हमने सेम क्लिप को इम्पोर्ट कर लिया है। तो फ्री फॉर्म में जाते हैं और दोनों ही क्लिप को यहाँ पर सेटिंग्स से हम 50% स्लोअर कर देंगे, ताकि कुछ चेंजेस हमें करना पड़ेगा नहीं तो हम रेंडर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम 50 पर कर देते हैं, इसको भी 50% में इसको
स्लो कर देते हैं। तो गाइस दोनों ही फोन में हमने क्लिप को 50% स्लो कर दिया, तो अभी बैक करके जाते हैं और यहाँ पर शेयर बटन पे टैप करके हम इसको सेव टू गैलरी में कर देते हैं। दोनों ही फोन्स में 1080p सिलेक्टेड है। स्टॉप वॉच को एक बार फिर से लेकर आएंगे। ओके गाइस तो स्टार्ट करते हैं हमारा GPU रेंडरिंग। 3, 2, 1 गो। ओके तो ये कुछ टाइम लेगा रेंडर होने में, तो अभी मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और आप देख सकेंगे कि कौन सा फोन इस क्लिप को ज्यादा फास्ट रेंडर करता है। तो गाइज जैसे कि आपने देखा है कि मी ए टू ऑलरेडी खत्म कर दिया है रेंडरिंग टेस्ट 3:39 में और अभी भी चल रहा है रेंडरिंग Redmi Note 5 Pro में और ये ऑलमोस्ट 90% या फिर 95% पर आ गया है। तो हम देख लेंगे Redmi Note 5 Pro कितना टाइम एक्स्ट्रा लेता है Mi A2 से इस रेंडरिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस Redmi Note 5 Pro ने लिया है 4:12 और इसने लिया है 3:39, मतलब अराउंड 30 या फिर 40 सेकेंड्स का डिफरेंस है। तो हम अभी इसी स्क्रीन पर रह के चलते हैं नेक्स्ट एप्स में। तो गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है ये लाइट गेम जो है सबवे सर्फर। इसको चला लेते 3, 2, 1 गो। तो गाइस Mi A2 में कुछ सेकेंड्स पहले लोड हो गया है सबवे सर्फर, तो इसको यहाँ पर एक मैच चला लेते और हम जाते हैं होम स्क्रीन पर। वहाँ पर हमने पॉज कर लिया है गेम को क्योंकि ये स्पीड टेस्ट एंड होने के बाद हम देखेंगे कि किस में रैम मैनेजमेंट बेटर है, तो इसलिए हम हर एक एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रख रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं पबजी पे 3, 2, 1 और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले पबजी को मेन मेन्यू तक लेकर आता है। ऑलराइट तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सेम है, पर बस 0.5 सेकंड्स पहले इसमें लोड हो गया है गेम, तो वो एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों फोन्स में पबजी रन होने में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस में और हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है Amazon 3, 2, 1 और गाइज Amazon पहले लोड हो गया है Redmi Note 5 Pro में। तो नेक्स्ट चलते हैं Flipkart पे 3, 2, 1 और Flipkart भी पहले लोड हो गया है Redmi Note 5 Pro में, पर काफ़ी हद तक सेम टाइम लिया है दोनों एप्लीकेशन में Flipkart को लोड करने में। तो नेक्स्ट और फाइनली हमारे पास जो है वो है Asphalt 9 गेम, तो इसको चला लेते हैं और देखते हैं कौन से फ़ोन में पहले मेन मेनू तक आता है। सो पहले आ गया है Redmi Note 5 Pro में। Redmi Note 5 Pro ने पहले लोड कर लिया है गेम को और अभी भी लोड हुआ है Mi A2 में। अभी हम चलते हैं हमारे होम स्क्रीन पे और हम अभी टेस्ट कर लेंगे कि कौन से फ़ोन का रैम मैनेजमेंट बेटर है। ये दोनों फ़ोन जिसमें हमें पता है कि कोई भी एप्लीकेशन एक्चुअली मेमोरी में नहीं रहता है, इन दोनों फ़ोन्स के बीच में रैम मैनेजमेंट किसका बेटर है। तो गाइस पहले चला लेते हैं फ़ोन एप्लीकेशन और दोनों ही फोन ने फोन एप्लीकेशन को एक बार फिर से लोड किया है जैसे आपने देखा है। और नेक्स्ट है कैमरा, एक बार फिर से दोनों ही फोन्स ने लोड किया है एप्लीकेशन को। ट्विटर सेम हियर, दोनों ही फोन्स में लोड हुआ है, रिफ्रेश हुआ है एप्लीकेशन। इंस्टाग्राम भी सेम है, दोनों ही फोन्स ने लोड किया है। तो गाइज ओवरऑल इन दोनों फोन्स का रैम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हैं Zenfone के साथ, Zenfone का रैम मैनेजमेंट काफ़ी बेटर था। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैप्स भी अभी लोड हुआ है। नेक्स्ट है Adobe प्रीमियर क्लिप, तो अगर वो स्क्रीन आए तो वो रेंडरिंग का स्क्रीन एक भी फ़ोन पर नहीं आए, तो इसका मतलब है दोनों ही फोन्स ने एक बार फिर से लोड किया है ऐप को। सबवे सर्फर हमने गेम को पॉज किया था क्योंकि गेम रनिंग होने के टाइम हमने होम बटन पर टैप कर दिए थे। तो अगर कोई भी फ़ोन में अगर रिज्यूम का ऑप्शन आता है तो उस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट बेटर होगा। तो देखते हैं सबवे सर्फर को चला के। तो आप देख सकते हैं कोई भी फ़ोन में रिज्यूम का ऑप्शन नहीं आया है और एक बार फिर से गेम लोड हो रहा है। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है दोनों ही फ़ोन्स में क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स का रैम मैनेजमेंट एकदम भी अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट है पबजी मोबाइल। इसमें Redmi Note 5 Pro में पबजी मोबाइल मेमोरी में है, पर Mi A2 में मेमोरी में नहीं है क्योंकि एक बार फिर से गेम चालू हो रहा है। तो Redmi Note 5 Pro gets 1 point। नेक्स्ट है Amazon, Amazon एक भी फ़ोन में नहीं था। नेक्स्ट है
फ्लिपकार्ट दोनों ही फोन्स के मेमोरी में रनिंग चल रहा था। तो नेक्स्ट और फाइनल जो है एसफेल्ट 9 देखते हैं चला के। और गाइज दोनों ही फोन्स के मेमोरी में एसफेल्ट 9 भी है, तो इसका मतलब है अगर Redmi Note 5 Pro की बात करें तो Redmi Note 5 Pro में जो हैवी गेम्स है वो मेमोरी में रहता है और जो लाइट वेट एप्लीकेशन जैसे कि फ़ोन, फेसबुक, कैमरा, इंस्टाग्राम, ये सारा एप्लीकेशंस मेमोरी से हट जाता है। पर अगर बात करते हैं Mi A2 की, तो Mi A2 में बस एसफेल्ट 9 और फ्लिपकार्ट मेमोरी में था और जो सारा एप्लीकेशंस है वो सब कुछ मेमोरी से हट गया था। तो ओवरऑल अगर बात करते इन दोनों फ़ोन्स की, कंपेयर करते रैम मैनेजमेंट की, तो रैम मैनेजमेंट Redmi Note 5 Pro का बेटर है। और अब तक आपको पता चल गया होगा कि कौन सा फ़ोन परफॉर्मेंस में या फिर GPU रेंडरिंग में या फिर रैम मैनेजमेंट में ज़्यादा फास्टर है। तो गाइस यही था स्पीड टेस्ट Xiaomi Mi A2 के साथ Xiaomi Redmi Note 5 Pro। हमें जैसा लगा कि कुछ एरियाज में Redmi Note 5 Pro फास्टर है और कुछ एरियाज में Xiaomi Mi A2, जिसमें Android One प्रोग्राम मतलब Google का स्टॉक एक्सपीरियंस होने की वजह से कुछ हद तक ये भी फास्टर है। तो आपको कौन सा लगा कि कौन सा फास्टर है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो गाइस यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।